नमस्कार, आपका स्वागत है मती के 15वें अध्याय के दूसरे दिन के अध्ययन में। इस सप्ताह हम कुछ ऐसी मनोभाव के बारे में, गलत एटीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं जो दूसरों को सुसमाचार सुनने से और विश्वास में आने से रोकता है, उसके लिए बाधा बनता है। सुसमाचार उनको कोई अच्छा समाचार नहीं लगता मेरी वजह से। कल हमने बात की थी परंपरा के खतरे के बारे में, और आज हम बात करने वाले हैं जब हम अपनी ही नजरों में धर्मी, अपनी ही नजरों में बहुत अच्छा दिखने के लिए हम कुछ करते हैं, उस खतरे के बारे में। पद 10 से सुनिए कि क्या होता है। और उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उससे कहा, सुनो और समझो, जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वह मनुष्य को अशुद्ध करता है। तब चेलों ने आकर उससे कहा, क्या तू जानता है कि फरीसियों ने यह वचन सुनकर ठोकर खाई, मतलब उन्हें बुरा लगा, वे नाराज हुए, अप्रसन्न हुए। उसने उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा, उनको जाने। वे अंधे मार्ग दिखाने वाले हैं, और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों गड्ढे में गिर पड़ेंगे। यह सुनकर पत्रस ने उससे कहा, यह दृष्टांत हमें समझा दे। उसने कहा, क्या तुम भी अब तक ना समझ हो? क्या तुम नहीं समझते कि जो कुछ मुंह में जाता है वे पेट में पड़ता है और शौच से निकल जाता है, पर जो कुछ मुंह से आता है वह मन से निकलता है, वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है, यही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है। परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। हमने देखा कि ये फरीसी, यहूदी धर्मशास्त्री यीशु पर और उनके चेलों पर उनके हाथ धोने के नियम की परंपरा का उल्लंघन करने का दोष लगाते हैं, और यीशु उनको यह कहकर चुप करा देते हैं कि वे मनुष्य की बनाई हुई परंपरा को परमेश्वर की आज्ञा के ऊपर रख रहे हैं। और आज हम इन पदों में यीशु को लोगों हम देखेंगे कि यीशु लोगों को क्या समझा रहे हैं कि शुद्धता, पवित्रता बाहरी कामों से अंदर नहीं आती, वह अंदर से बाहर की ओर आती है। वह बाहर से अंदर की ओर नहीं, अंदर से बाहर की ओर पवित्रता आती है। उन दिनों फरीसी हाथ धोने की परंपरा को लेकर, शुद्धता के पैमाने को लेकर इस मुकाम पर थे कि कोई साधारण व्यक्ति वहां तक पहुंच ही नहीं सकता था। उनका पहनावा, उनका व्यवहार कुछ ऐसा लगता था जैसे वे धार्मिकता की चरम सीमा पर पहुंच गए हैं, जहां कुछ ही लोग पहुंच सकते हैं। आज भी कलीसिया में ऐसे ही फरीसी नुमा विश्वासियों से कलीसिया भरा हुआ है। वे लोग धार्मिक परंपराओं का पालन बहुत ध्यानपूर्वक करते हैं, और उन्हें लगता है कि वे परमेश्वर के बहुत निकट हैं, क्योंकि वे बहुत ही धार्मिक हैं, और उन्हें खुद को नहीं, उनको देखने वाले दूसरों को भी ऐसा ही लगता है। और इसे ही खुद की नजरों में धार्मिकता, धार्मिक होना या अच्छा होना कहते हैं। अंग्रेजी में बोलते हैं सेल्फ राइटियस, मतलब आत्म धार्मिकता, परमेश्वर की दी हुई धार्मिकता नहीं, जो हमारी खुद की धार्मिकता है। अगर कोई नया व्यक्ति मंडली में आता है, उन लोगों को लगता है कि बाप रे, मैं तो ऐसा कभी भी नहीं कर पाऊंगा, इस मुकाम पे कभी भी नहीं पहुंच पाऊंगा, क्योंकि मैं तो बहुत ही बुरा हूं और ये बहुत अच्छे हैं। अगर उद्धार इन लोगों के लिए है तो मैं कभी उद्धार नहीं पा सकता। इन लोगों का चाल चलन, भाव भंगिमा सब ऐसा होता है जैसे वे लोग स्वर्ग के दरवाजे पर खड़े हुए हैं, और इनको देखकर तो घबराहट होने लगती है और लोग विश्वास में आगे बढ़ने से डरते हैं। लगता है कि अगर स्वर्ग में यह लोग मिलने वाले हैं तो मैं शायद नरक में ही अच्छा हूँ। अब यहाँ यीशु जो सिखा रहे हैं उससे हमें चार बातें समझ में आती हैं कि कैसे जो परिपक्व विश्वासी हैं, परिपक्व चेले हैं, वे नए लोगों के विश्वास में बाधा ना बनकर उनके विश्वास के पथ पर आगे बढ़ने पर मदद कर सकते हैं, उनकी प्रेरणा बन सकते हैं। सबसे पहले जो बात है वो यह समझना कि आप अपने आप से धर्मी नहीं हो सकते। अगर आप अपने अच्छाई से बहुत प्रसन्न हो और आपने बहुत सारे बाइबल के पद रट लिए हैं जो आप फटाफट बोल सकते हो, या बहुत ही तल्लीन होकर आप उपासना करते हो, बहुत ही धारा प्रवाह तरीके से आप प्रार्थना करते हो, तो ये सब बातें आपको और दूसरों को भी देखने में अच्छी लग सकती हैं, पर यह सब बाहरी है। वे सब आपको पवित्र या शुभ या धर्मी नहीं बनाता। आप अपने हृदय को देखिए, अपने मन को देखिए। क्या आपको ऐसा लगता है कि आप दूसरों से बेहतर हो? हो सकता है कि आप
परस्त्री गमन नहीं करते, व्यभिचार नहीं करते, चोरी नहीं करते, झूठी गवाही नहीं देते, निंदा करने से बचते हो, पर आपके अंदर का आत्मिक अहंकार आपके आचरण के द्वारा दूसरों को नीचा दिखा रहा है, उन्हें हीन महसूस करा रहा है। तो याद रखना आवश्यक है कि चाहे आप ये सारे कुकर्म नहीं कर रहे हो, आपके भीतर आपकी गहराई में अब भी वो सारी लालसाएं शेष हैं, बची हुई हैं, जो आपको अशुद्ध बनाती हैं, पापी बनाती हैं, और आप खुद से अपने बाहरी कामों से, बाहरी कर्मों से कभी भी धर्मी और पवित्र नहीं बन सकते। वह केवल यीशु है जो आपको शुद्ध करता है, जो आपको पवित्र बनाता है और पिता परमेश्वर की नजरों में धर्मी बनाता है। आप खुद अच्छे नहीं है, यीशु है जो आपको अच्छा बनाता है, और इसलिए अहंकार के लिए आपके पास, मेरे पास कोई भी स्थान नहीं है। तो सच्चाई की समझ से दूसरी बात निकलती है, आप बाहर के कामों को धार्मिकता का मानक नहीं बना सकते। सुनिए, अब हो सकता है कि इससे आपको थोड़ा सा झटका लगे, जो पाप कर आप करते हो वह आपके मन की अशुद्धता को मात्र दर्शाते मात्र हैं। अगर आप वह पाप कर्म करने से इनकार भी कर दो और कोई धार्मिक काम करने लगो, फिर भी मैं दोहरा रहा हूं, अगर आप वह पाप कर्म को करने से इनकार भी कर दो, कुछ धार्मिक काम करने लगो, फिर भी आप अंदर से शुद्ध नहीं होते हैं, क्योंकि आपके अंदर में वो अशुद्धता अभी भी है। हो सकता है कि आप कुछ समय के लिए एक बेहतर जीवन जी सके, पर अंदर से आप शुद्ध नहीं है। ये केवल यीशु है, उसका अनुग्रह है, जो आपको और मेरे को अंदर से शुद्ध बनाता है। विश्वासी की धार्मिकता खुद की नहीं है, यीशु की दी हुई है, और इसलिए आप बाहरी कामों को धार्मिकता का मानक नहीं बना सकते। अगर मैं आपको उदाहरण दूं तो कई सारे लोग ऐसा सोचते हैं, विश्वासी ऐसा सोचते हैं कि जो विश्वासी होते हैं ना, उन्हें थोड़ा साधारण रहना चाहिए, सिंपल रहना चाहिए। अब हो सकता है किसी औरत को फैशनेबल कपड़े पहनने का, सजने संवरने का, आभूषण पहनने का शौक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? आप इस बाहरी रूप को देखकर अपनी सोच के हिसाब से आप यह नहीं कह सकते कि यह महिला अपवित्र है, अशुद्ध है। कई लोग ऐसा करते हैं, कई लोग कहते हैं कि हमें विश्वासी को फिल्म देखनी नहीं चाहिए। मैं मानता हूं कि फिल्मों में अश्लीलता होती है, हिंसा होती है, और हमें सावधान रहने की आवश्यकता है, पर जो बाहर से अंदर जाता है वो हमें शुद्ध नहीं करता। बाहरी चीजें अपवित्र नहीं करती, जो अंदर से बाहर आता है वह हमें अशुद्ध करता है, और उसे केवल परमेश्वर ही बदल सकता है। तो बाहरी कामों को धार्मिकता का, पवित्रता का मानक मान लेना बहुत अधिक घातक है, जो दूसरों को विश्वास में आने से और विश्वास में बढ़ने के रास्ते में एक रोड़ा, एक अड़चन बन जाता है। अब तीसरी बात, यीशु कहते हैं कि जो अपनी नजरों में धर्मी है, पवित्र है, और अपने जीने के नियम को दूसरों पर थोपना चाहता है, ऐसे आत्मधर्मी लोगों की नाराजगी की चिंता मत, पर जो वचन की सच्चाई है वही करो। यीशु के चेले कहते हैं कि फरीसी लोग, वो लोग ठोकर खाई, वो लोग नाराज हो गए, यीशु बोलते हैं जाने दो उनको, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वे अपने आप में धार्मिकता की परिभाषा बन गए थे और अपने नियमों को दूसरों पर थोपने की कोशिश कर रहे थे। वे लोग नाराजगी दिखाकर अपने दूसरों को नियंत्रण करना चाह रहे थे। ये लोग आपकी आलोचना करके वो केवल आपको नियंत्रित करना चाहते हैं, मैन्युपुलेट करना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं, अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं। हाँ, शास्त्र कहते हैं कि आपको ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे कोई दुर्बल विश्वासी ठोकर खा जाए, और जो काफी समय से विश्वासी हैं उनकी चिंता ना करो आप, उनकी नाराजगी केवल नियंत्रण करने के लिए होती है। वे आपको अपनी बात, अपने नियम, अपने पैमाने मानने पर मजबूर करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा करके उन्हें खुद में अपने आप को बेहतर महसूस होता है, उनको लगता है कि वो ज्यादा बुद्धिमान है, ज्यादा पवित्र है, ज्यादा धार्मिक है। उन्हें जाने दो और वह करो जो परमेश्वर की नजरों में सही है, और वह है प्रेम और अनुग्रह। और प्रेम और अनुग्रह से चौथी बात आती है, और प्रेम और अनुग्रह ही है जो आत्मधार्मिकता की बाधा को तोड़ सकता है। आप एक शुद्ध जीवन जीने का नमूना बनो। अब आपको आत्मधार्मिकता की दीवार तोड़ने के लिए अधर्मी जैसा व्यवहार करने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग हैं जो करते हैं लोगों से कहीं मैं अलग ना दिखूं तो मेरे को वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मेरे को स्वीकार नहीं करेंगे, और फिर वो वैसा ही आचरण करने लगते हैं जैसे कि संसार के लोग करते हैं, क्योंकि वे लोग गाली दे रहे हैं इसलिए मैं भी गाली दूं।
मैं भी वैसा ही करना लग जाऊं? नहीं, लोगों को एक स्वस्थ नमूना चाहिए सच्चे आध्यात्मिक जीवन का, और एक आत्मधर्मी, खुद की नजरों में अच्छा, जो खुद भी अपने बनाए हुए नियमों को, परंपराओं को परमेश्वर के वचन से अधिक महत्व देता है और दूसरों पर थोपता है, उन पर दोष लगाता है, आलोचना करके उन्हें नीचा दिखाता है, ऐसा नमूना पेश नहीं कर सकता। तो क्या है वह नमूना? क्या है वह नमूना? हमें ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो कहने की नम्रता रखते हो कि मैं अभी भी संघर्ष कर रहा हूँ, मैं स्वर्ग के द्वार पे खड़ा नहीं हूँ, मैं अभी भी संघर्ष कर रहा हूँ, मेरे दिल में अभी भी प्रभु के करीब आने के लिए संघर्ष जारी है, मैं अभी भी अपने जीवन में प्रलोभनों से जूझ रहा हूँ। लेकिन उस संघर्ष में मैंने यीशु को विश्वास योग्य पाया है, और उस संघर्ष में मैंने पाया है कि जब मैं यीशु पर भरोसा करता हूँ तो वो मेरे को प्रलोभन से बचने का एक रास्ता निकालता है। उस संघर्ष के बीच मैंने पाया है कि वह मुझसे प्रेम करता है, और संघर्ष में मैंने पाया है कि तुम जीवन में आगे बढ़ सकते हो। इसलिए शुद्ध जीवन जीने का एक ऐसा स्वस्थ और विनम्र मॉडल बने जिसमें यीशु का अनुग्रह झलके। आत्मधार्मिकता के इस बाधा को तोड़ने के लिए यह सबसे अच्छा और एकमात्र तरीका है। या पारदर्शी रहे, मैं चाहता हूं कि परमेश्वर ऐसे ही मुझे इस्तेमाल करें, ऐसे ही वो आपको भी इस्तेमाल करें। तो आइए आज समाप्त करने से पहले एक साथ प्रार्थना करते हैं। यीशु, जीवन के माध्यम से वह कर जो हम खुद नहीं कर सकते। हम अहंकारी होना नहीं चाहते, हम आत्मधर्मी होना नहीं चाहते, हम विनम्र रहना चाहते हैं, हम पारदर्शी रहना चाहते हैं। लोग ये समझ पाए कि हमारे अंदर अभी भी संघर्ष चल रहा है, पर तू हमारे साथ है, हम उनसे कुछ अलग नहीं है। हमारे अंदर भी वही पाप, वही लालसाएं हैं, वही प्रलोभन से हम जूझते हैं, बस फर्क यह है कि तू हमारे साथ है, तेरा अनुग्रह हमारे साथ है, और वही अनुग्रह हम लोगों को भी देने पाए। हमारी पवित्रता से, हमारी ये बाहरी शुद्धता से लोग डरे नहीं, पर उस शुद्धता को, पवित्रता को समझें जो सिर्फ तेरे से आती है, जो तेरे प्रेम से आती है। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमेन। कल हम बात करेंगे कि एक संकीर्ण सोच की अड़चन से हम कैसे निपटे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, परमेश्वर की महिमा हो।